गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण यादव. आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास वन. आई होप यू ऑल आर वेल टुडे. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी फ्रॉम यूनिट नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 14. सो ओपन पेज नंबर 80. सो व्हाट्स द नेम ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन? सुंदरी. यस. सो डू यू नो वॉट इट इज़ मीन? आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? सुंदरी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर. ओके, सो वी विल सी हु इज सुंदरी एंड वॉट डज शी डू. ओके, अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि सुंदरी कौन थी और वो क्या करती थी. ओके, सो एज आई से प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, कीप योर पेंसिल रेडी टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड रीड अलोंग विद मी. ओके, सो हेयर वी स्टार्ट. सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. सुंदरी कौन थी? सुंदरी एक बहुत बड़ी रेड वाइट एंड ब्लू कलर की पतंग थी. एज यू कैन से देर इज अ बॉय हु इज मेड मेकिंग अ काइट एंड ही इज फिलिंग कलर इन इट. यस, सो व्हाट आर द कलर्स इन सुंदरी? यस, वाइट, red and blue. There are three colors in it. Okay. When Bobby made her see smile at him. जब बॉबी उसे बना रहा था तो वो स्माइल कर रही थी. Yes. You are beautiful and I will call you Sundari, he said. कौन कहता है ये? What is the name of this children? Bobby. And kite's name is Sundari. So Bobby कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो. You are very beautiful. And I will call you Sundari. तुम बहुत सुंदर हो. That's why I will call you Sundari. One day, Bobby took Sundari to the fair. फेयर क्या होता है? मेला. मेला देखा है आप लोगों ने? यस, मेले में हम बहुत सारे झूले और बहुत बलून मैंस, मैरी गो राउंड देखते हैं ना. यस, सो वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग. बैंड क्या? जो म्यूजिशियन बैंड होते हैं ना. यस, जो म्यूजिक म्यूजिक बजाते हैं. सो दैट्स कॉल्ड बैंड. सो दैट द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग. अ मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. सो देर वॉज अ मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड देखा आपने? वो मैरी गो राउंड जो चारों तरफ घूमता रहता है, जिस पे वुडन्स के एनिमल्स बने होते हैं, उन पे बच्चे बैठ के चक्कर लगाते हैं, जिस पे एक बहुत ही सुंदर सी ट्यून भी बज रही थी और उसके ऊपर बॉयज़ और गर्ल्स बैठ के राउंड एंड राउंड घूम रहे थे, चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे. और जो जिन पे वो बैठे हुए थे वो किसके बने हुए थे? वुडन के. देयर वॉज वुडन एनिमल्स. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. सुंदरी लुक्ड टू, बट बॉबी वॉज वॉट इज हीज डूइंग? ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ ओपन स्पेस. वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फ्लाई His kite. बॉबी एक ओपन ग्राउंड देख रहा था. क्यों? क्योंकि वो अपनी पतंग को उड़ाना चाह रहा था और सुंदरी भी उसके साथ एक ओपन स्पेस देख रही थी, एक ग्राउंड
देख रही थी। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। सो देन ही फाइंड अ ग्राउंड सो दे रैन सॉरी बॉबी रैन आउट इन द ग्रास एंड वो अपनी पतंग को पकड़ता है और उसको उड़ाता है जितना वो उड़ा सकता है। ही होल्डिंग हिज काइट एज हाई एज ही कुड वो इतना ऊंचा पकड़ता है जितना कि वो होल्ड कर सकता है। पफ द विंड केम अलोंग विंड तेज हवा तभी एक तेज हवा आती है। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप और सुंदरी उड़ना शुरू कर देती है। बट सी कुड नॉट गो वेरी हाई लेकिन क्या होता है कि वो बहुत हाई पर नहीं उड़ पाती। क्यों? अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। एज यू कैन सी देर इज अ डॉग एंड इट इज होल्डिंग हर टेल इन हिज माउथ। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है, एक डॉग आ जाता है जिसने काइट की जो टेल होती है वो अपने मुंह में ले रखी होती है। इट वॉज इन हिज माउथ। बॉबी शूड द डॉग अवे। शूड मीन्स उसको भगा देना, ठीक है। सो बॉबी डॉग को वहाँ से शू कर देता है। अभी करते ना हम जब कोई एनिमल्स आता है तो हम शू शू बोलते ना इसे। सो बॉबी ने डॉग को शू करके भगा दिया। वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड। बॉबी कहता है हम दोबारा कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई अगेन दिस टाइम। सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर शी टग्ड हार्ड। ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। सी गेव अ बिग टग। बॉबी हैड टू लेट हर गो। सो दिस टाइम लीप्ड क्या होता है? लॉन्ग जम्प। मतलब जब वो जैसे हवा तेज चल रही थी तो जो सुंदरी ने उन्होंने लॉन्ग जंप लिया, मतलब वो बहुत ऊंचा उड़ गई। सी टग्ड हार्ड पर टग्ड क्या होता है? झटके से खींचना। लेकिन उसको झटके से खींचा जा रहा था। देन ही सी सेड शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। वो चाहती थी कि बॉबी जो स्ट्रिंग है जो डोरी है उसको छोड़ दे। सी गेव अ बिग टग उसको चाहिए कि वो बहुत ऊंची उड़ सके। वो चाहती थी कि उसको जो डोरी है उसको झटके से छोड़ दे बॉबी ताकि वह जितना जितनी जो उसकी चाहत है उतना ऊपर जाके उड़ सके। सो बॉबी हैड टू लेट हर गो। बॉबी को उसे छोड़ देना चाहिए। बॉबी को उसे छोड़ देता है। वी क्राइड सुंदरी नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। वी मीन्स वो खुशी से वो उड़ गई। वो सुंदरी बोलती है वी अब मैं जितना ऊपर चाहती हूँ उतना ऊपर जाके उड़ सकती हूँ। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई कैन एंड अवे शी वेंट। सी फ्लू अप इन द एयर। अब वो बहुत ऊपर चली गई, बहुत ही ऊपर मस्त हवा में उड़ रही थी। नाउ सी इज फ्रीली फ्लू अवे। सी फ्रीली फ्लू अवे। ओके सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ ब्यूटिफुल काइट। ओके सो द स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम क्लियो बाय रुथ डिक्शन। So the story is about a kite Sundari and her experiences and how one day during a fair she finally in the blue sky. Okay children, so that's all in this story. I hope you enjoyed this story children. So you have to read this story at your home. Okay and please underline the difficult words. We will discuss in our next video. Okay. You have a good day.